भाई हर बार अच्छी नॉलेज, मैं लगातार इनकी वीडियो देखता हूँ, अच्छी नॉलेज वाली वीडियो होती है, लेकिन आप भाई शेयर नहीं करते उसको, इस वजह से वीडियो ज़्यादा भाइयों तक नहीं पहुँच पाती। तो ये आपका फर्ज है भाई, अगर आपने वीडियो देख ली कम से कम एक भाई के पास जरूर शेयर कर दियो, अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो दसों के पास कर दियो सही, लेकिन एक के पास तो आपका करने का फर्ज है, कि ताकि भाई और किसी भाई को भी फायदा हो, उसके सारा फायदा खुद ही ना उठाए। जो तीन पैसे टाइम से पहले बच्चा दिन उन्होंने दे दिया, या फिर कोई भी समस्या, कोई बीमारी आ गई, किसी का थन में दिक्कत आ गई, तो ये समस्याएं कागज पे नहीं आती, हकीकत में ही आती हैं भाई, और हकीकत में ही इनकी सच्चाई का पता चलता है, इनके खर्चे का पता चलता है। एक थन में मैस्टिस आ गई तो 20,000। राम राम। और आज हम आए हैं भाई हमें डांडा डेयरी फार्म पे, गांव मेलसरा डिस्ट्रिक्ट हिसार आदमपुर के अंदर। तो इनसे हम आज पहले पशुओं का इन्फॉर्मेशन लिया है, तो वो यूट्यूब पे वीडियो जा करके देख सकते हैं। लेकिन एक काफ़ी समस्या आ रही है पशुओं के अंदर, आम किसान जो हार जाते हैं इन समस्याओं के साथ लड़ करके, और मैं भी, मेरे साथ दो चार समस्या आई है, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे भाई साहब से। और जो कुछ फ़ोन भी आते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे एक आधा नंबर जा रहा है हमारा, तो बोलते हैं हम प्राइवेट नौकरी के अंदर हैं, दूर दूर लग रहे हैं, तो उससे अच्छा 10-12 हज़ार हमारी तनख्वाह है, तो उसमें काम नहीं चलता, क्या हम पशुपालन करें? तो उनके लिए भी भाई से पूछेंगे। और कुछ जो है अच्छी नौकरी भी है, 25-30 हज़ार तनख्वाह देते हैं, वो भी कहते हैं हम इस काम के अंदर आएँ तो अच्छा मार्जिन लें, अच्छा प्रॉफिट लें, तो कितना आसान है या कितना मुश्किल है, तो वो सारी बातें हम अमित भाई से जाने, काफ़ी पुराना इनका एक्सपीरियंस है, और जो साथ साथ जो सरकारी जॉब पे भी है, कौन सी जॉब पे है, वो भी इनसे जानेंगे। तो भाई साहब आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो टाइम निकाल के हमारे पास आए, और भाई भाई के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। भाई साहब इसके अंदर समस्या बहुत सार काफ़ी देखने को मिलती है हमें, जैसे पशु का हम मन लगा के तैयार करते हैं पशु, लेकिन वो अच्छा तैयार नहीं हो पाता, समय पर हिट में नहीं आता, हिट में ए करवा दी लेकिन गड़बड़ नहीं ठहरी, भैंस को दाना चारा दूध निकालने के टाइम दे दिया लेकिन बाल्टी लेके जाए तो लात मारती है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है, वो थोड़ा हमें बताएं, बाकी आप बताएं क्या क्या समस्या आती है। अमनदीप भाई असल में तो जो सांस का धन हो गया जैसे अपना पशुओं का नाम है, ये धंधा ही समस्या का है, कुछ सारे कहते हैं लाखों रुपए कमा लिए, लाखों रुपए भाई साहब जैसे जिन्होंने कमाए हो गए, आपा किसी को ये नहीं चैलेंज कर रहे भी आपने कैसे कमा लिए, आज से 1-1.5 साल पहले जो इस धंधे में थे वो अच्छा बचा लेते थे भाई, लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन है, जो तूड़ी का रेट है और जो फीड का रेट है, उस हिसाब से भाई इनका तूड़ी और फीड का पूरा नहीं हो रहा खर्चा, दूध के जो दूध का भाव जितना कम है और उनके रेट जितने ऊपर चले गए, उस हिसाब से तो फीड का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, तो उसमें भाई कहाँ से कोई बचा लेगा और कहाँ से लाखों बचा लेंगे, तो ये सोचने वाली बात है। ये उन भाइयों से क्वेश्चन भी करने वाला है भाई, आपने कैसे बचाया इतने लाखों बचा लिए, वो हम जैसे भाई छोटे पशुपालकों को उन्होंने उनको अपना अनुभव शेयर भी करना चाहिए, ताकि भाई आप भी बचा लें कुछ, लाखों नहीं तो हजारों बचा लें, बताना चाहिए कैसे बचाए। हाँ बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है भाई, ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मेरी उम्र भी छोटी है, लेकिन जितना भी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि फिलहाल जो ये पशुपालन का धंधा है वो घाटे का सौदा ही बन के रह गया है, क्योंकि जैसे आपने समस्या बताई थी भाई, एक तो टाइम पे हिट में नहीं आना, साल में अगर साल एक साल के अंदर दोबारा पशु पे आ गया तो ठीक है, उसके बाद जैसे वो एक एक महीना भी लेट करता गया उतना ही पशुपालक के लिए घाटा बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो एक टाइम के बाद दूध देना बंद कर देगा, फरीगा 250-300 रुपए खाएगा, तो भाई कहाँ तक बंदा उसको अफोर्ड कर पाएगा? इस समस्या को हम रोक भी सकते हैं क्या? नहीं भाई समय पर कुदरती है, कुदरती है, लेकिन इसको इस प्रकार से आप रोक सकते हैं भाई, आप खुद का ध्यान देंगे, जैसे भाई ब्याई भैंस उसके बाद उसको संतुलित आपने आहार दे दिया, टाइम टू टाइम उसकी डिवर्मिंग कर दी, टाइम से उसकी हीट डिटेक्ट कर लिया अपने, भाई इस टाइम अपना पशु हीट में है, और टाइम पे उसका भाई सीमन रखवा दिया या बुल से क्रॉस करवा दी, तो आप इस समस्या से भाई बच सकते हैं। और वो भी भाई आजकल सब कुछ अपने विवेक पे ही हो गया, जैसे हीट में तो आ गया पशु, लेकिन वो अपने को चेक करना भी प्रॉपर हीट है या नहीं, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर इन्फेक्शन है तो उसका तुरंत अपने को इन्फेक्शन का इलाज करना चाहिए, ना कि उसके अंदर सीमन छुटवाना चाहिए। कई बार आप लापरवाही कर देते हैं, भाई कुछ नहीं साफ तार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, रखवा दो AI करवा दो अपने आप रह जाएगी, लेकिन वो बढ़ता ही जाएगा और वो फिर उतना ही लेट होता जाएगा, अगर एक हीट भी मिस हुई तो भाई 21वें दिन दूसरी हीट आएगी, यानी एक महीना गया,
आजकल डॉक्टर भी ऐसे हो रहे हैं, वो सीमन आपने बोला सीमन रखना तो सीमन रखेंगे, नहीं चेक करेंगे या आपसे पूछेंगे कैसा तार दिया है, इसको दवाई रखनी है क्या करनी है, वो भी कम ही ध्यान रखते हैं, अपना दो पैसे कमाने के चक्कर में यही कर देते हैं सीधी। अमनदीप भाई, जो पशुपालक को बचाने वाला असल में है ना डॉक्टर ही है, जो आजकल AI वर्कर लगा लो या फिर जो अपने डॉक्टर भाई घूम रहे हैं वो ही है। अगर वो कम से कम ये ना बताओ भाई ये हीट में है या नहीं, इस टाइम भी पता लग जाता है अंदर आता है, बिल्कुल लग जाता है भाई, जो एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर है वो हाथ रखते ही बता देगा भाई ये प्रॉपर हीट में है या नहीं, इसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर उसको लगे कि भाई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर भाइयों से मेरी विनती है भाई उसको पहले इन्फेक्शन ही उसका दूर करें, उसको सीमन छोड़ने की लापरवाही ना करें। तो ये भी आप पता कर ले डॉक्टर आपके घर पे आए तो, जैसे कोई डॉक्टर आपसे आए तो सबसे पहले डॉक्टर से यही क्वेश्चन करें कि ये प्रॉपर है या नहीं, अगर सब कुछ नॉर्मल है उसके बाद ये आई। अगर डॉक्टर एक बार भी कहे, कई बार भाई आप पशुपालक भी धक्का कर लेते हैं डॉक्टर के साथ, डॉक्टर बोलता भी है कि भाई इसको इन्फेक्शन है लेकिन आप खुद बोलेंगे कि भाई नहीं कुछ नहीं तू AI कर, तो उसमें डॉक्टर भी क्या करेगा, बेचारा खर्चों से वो सोचता है, अब वो सोचता है खर्चा बढ़ेगा जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में खुद अपना नुकसान कर बैठता है। और जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो काफी वीडियो देखी है, बोलते हैं कि बड़े मेल के नौकर से अच्छा झोपड़े का मालिक बनना, तो मालिक बनना कितना आसान है कितना मुश्किल है वो बताएं थोड़ा। भाई साहब मालिक बन जाओ, बेझिझक बनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मालिक बन के अगर कर्जवान आपको होना है तो भाई खुले दरबार है, कोई दिक्कत नहीं, काम ऐसा ही है, करोड़ वाला रोड पे आ जाता है, रोड वाला करोड़ पे चल जाता है भाई। एक तो सबसे मेन बात तो किस्मत का रोल है, किसी का साथ दे दिया, किसी का हाथ पकड़ लिया तो ऊपर लेगी, किसी का भाई नहीं सूट बैठता तो नहीं भी बैठता। दूसरी बात है जो फिलहाल के जो इस साल के जो कंडीशन है उन हिसाब से भाई जो पुराने इस फील्ड में बैठे वो इस धंधे को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो जो नए जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो भाई कोई चांस ही नहीं है। और आपने जो स्टार्ट किया उस टाइम पे इतनी सारी समस्याएं थी या अभी स्टार्ट हुई है दो चार सालों में? देखो भाई जो समस्याएं तो शुरू से ही लगातार ही बनी रहती हैं, जैसे पशु है पशु के साथ समस्या भी रहेगी, लेकिन वो था भी टाइम टू टाइम अपने अपने हिसाब से उनका निपटारा करते रहे, समस्याओं से लड़ते रहे, उनके बारे में जानकारी आती थी, जैसे कोई नई समस्या आई तो वो भाई जैसे अपने फार्म पे कोई भी नई समस्या आ गई तो पशुपालक को वो उस फील्ड में PhD करवा जाती है भाई, अगर पशुपालक उस बारे में अवेयर है तो वो उसको सारा ज्ञान दे देगी उस चीज़ का। जैसे भाई एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे फार्म पे लंपी स्किन डिजीज़ आ गई थी बछड़े को, मैं उसके बारे में एक्सपर्ट हो गया, अब मेरे को पता है भी ये कैसे ठीक होगी और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो ये समस्याएं जैसे मेरे साथ जैसे जैसे जो जो समस्या आती गई मैं उनको भाई निपटारा करते रहे, अब उन समस्याओं से पहले ही अवेयर हो गए भाई ये समस्या ना आ जाए तो उससे पहले ही उसका प्रिवेंशन आप कर देते हैं। ये भी जरूरी है, आपको ध्यान रखना, आपको 4-5 साल तो लग ही जाते हैं इस काम के अंदर, क्योंकि काफ़ी नई नई समस्याएं आती है, उसको जानना फिर उसको ठीक करना, अगर आप 2-4 साल निकालोगे इसके अंदर और फिर इस काम को समस्या को देख करके आप बंद करोगे तो धोबी का कुत्ता बोलते हैं घर का ना घाट का, बिल्कुल भाई काम हो जाएगा। वो कहते हैं ना भी जो खुद जिस आप सीट पे बैठोगे तो ही आपको पता चलेगा भी गाड़ी कैसे चलती है, जैसे कोई आपको आप गाड़ी चला रहे हो, मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं आपके साथ में बैठा हूँ मेरे को पता है अभी ये ब्रेकर आ गया, अब रुकना है, अब ब्रेक लगाना है, अब गियर चेंज करना है, अब आगे बढ़ना है, लेकिन जिस टाइम मैं उस सीट पे आऊँगा तो मेरे से करा नहीं जाता। वो प्रैक्टिकल में और देखने में बहुत फर्क है भाई, कई कागजी हिसाब किताब बना लेंगे भी इतने भैंस ले ली, इतना किलो दूध दे देगी, इतना दूध बेच दिया और इतने बच गए, लेकिन कागज में और हकीकत में भाई दिन रात का फर्क है। वो ये नहीं सोच उसके कागज के ऊपर ये समस्या नहीं आती, उसको कागज के ऊपर सिर्फ मुनाफा दिखता है, जो समस्याएं पशु आ जाती है जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, 2-3 भैंस टाइम से पहले बच्चा दी इन्होंने दे दिया, या फिर कोई भी समस्या कोई बीमारी आ गई किसी का थन में दिक्कत आ गई, तो ये समस्याएं कागज पे नहीं आती है, हकीकत में ही आती है भाई, और हकीकत में ही इनकी सच्चाई का पता चलता है, इनके खर्चे का पता चलता है। एक थन में मैस्टिस आ गई तो 20,000। मेरे भी एक भैंस खराब हुई है, पीछे वीडियो देखी होगी आपने, नहीं देखी जाकर के देख सकते हैं, लगभग 95-92 की तो मैं खरीदी थी भैंस को, लेकिन उसी रेट के अंदर बेचता, चारों थन ठीक होते तो शायद बिक भी जाती, उसका एक थन बिल्कुल डैमेज हो गया, तो हमने 50,000 की बेची है, उसमें काफ़ी देख सकते हैं 42-42,000 का जो नुकसान हमें भुगतना पड़ा, और 1.5 साल के लगभग वो ब्याई लेट से भी नहीं, बाद में जो AI करवाई थी लेट गया भी नहीं हुई, हिट में नहीं आई, वो भी काफ़ी नुकसान हुआ इसके अंदर, तो ये खर्चा
जो नौकरी छोड़ के बोलते हैं डेयरी फार्म करेंगे तो शायद इससे बचे तो ठीक है। फिलहाल के लिए तो जो धंधा कर रहे हो उसी में लगे रहो तो फायदा है। जैसे भाई दिन फिर जाए, कोई कई बार भाई दूध का रेट है, हो सकता है अगले साल अच्छा आ जाए, अगर 100 रुपए किलो अपना दूध आज बिकने लग जाए तो फिर ये धंधा बहुत बढ़िया भाई, जो घर की घर में रह के काम आप कर सकते हैं। फिर तो इस धंधे की जैसी रीस नहीं भाई कोई, अगर खुद मेहनत करने वाला बंदा है, काम करने वाले घर के हैं, दाना चारा आपका घर का है, फिर ही इस धंधे के अंदर भाई पैर रखें। अगर आपका सब कुछ मोल का है, तूड़ी मोल की है, हरा चारा मोल का है, दाना मोल का है, और तो और कईयों के तो भाई काम करने वाले ही मोल के हो गए, जैसे भाई नौकर के भरोसे अगर कोई बैठा है तो वो इस धंधे से भाई दूर ही रहे। कई भाइयों को तो दूध तक निकालना नहीं आता और वो सोचते हैं भाई हम डेयरी कर लें तो वो उसका तो कोई फायदा नहीं भाई, अगर एक दिन नौकर भाग गया तो दूध कौन निकालेगा फिर। ये भी आप पूरी सुन रहे हैं तो ये सारी समस्याएं आपको जो हमारे साथ बीती हैं वही इनसे हमने पूछी है और इन्होंने कुछ बताई है। तो एक आपके साथ भी हुई थी घटना कि आपके जो पशुओं ने टाइम से पहले बच्चे दे दिए थे। हाँ वो इस बार भाई समस्या मेरे को भी नहीं समझ में आई अब तक, ये अब ये जैसे ये समस्या ही है मेरे सामने आई हुई है, जैसे ये ठीक होगी। इससे पहले भी आपके साथ हुआ है, अबकी बार हुआ है? ये अबकी बार इसी साल में हुआ है, इसी साल में तीनों ने दिया है और प्रॉपर सभी भैंसों की मैंने टेस्टिंग है, मैं हर साल करवाता ही रहता हूँ जो ब्रुसेला की टेस्टिंग होती है, कई बार ये समस्या ब्रुसेला ही वजह से होती है। लेकिन जैसे अपना बुल की मैंने शुरुआत में IBR और ब्रुसेला टेस्ट करवाया था उसका सीमन बनवाने से पहले, उसके बाद फिर मैं लगातार अपनी सभी भैंसों का ही करवाने लग गया, क्योंकि जो घरवाली भैंसों भैंस थी मैं उनके ऊपर उसको डायरेक्ट छोड़ देता था कई बार, तो कोई भाई मेरी खुद की भैंस कोई दिक्कत ना हो तो उसकी वजह से बुल को समस्या ना हो जाए, इस करके मैं पहले से सिक्योर था और सभी भैंसों का भाई टेस्ट भी करवा लिया, सभी जो छोटी कटड़ी है उनको मैं ब्रुसेला ही वैक्सीन भी करवाता हूँ, लेकिन ब्रुसेला वाली कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ये समस्या आई है तो इससे भाई कैसे निपटेंगे, ये अब ये समस्या मेरे सामने आई तो ये मेरे को PhD करवा के जाएगी, ये भाई कैसे इससे निपटा जाएगा, अगर मैं इससे जीत गया तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे किसी पशुपालक को आगे किसी किसी किसान भाई को ऐसा नुकसान ना हो। ब्रुसेला बीमारी है जो किस समय इसका जो इंजेक्शन लगता है कटड़ी, ये भाई 4 से 8 महीने की जो कटड़ी है उनको इसका इसकी वैक्सीन लगती है, वो मोस्टली अपने सरकारी हॉस्पिटलों में ही आ जाती है। भैंसों को नहीं लगती वो? नहीं बड़ी भैंसों को नहीं, 8 महीने तक लगती है बस, वो सारी उम्र काम करेगी। हाँ फिर वो सारी उम्र काम करेगी, बड़े वालियों को लगाने का कोई फायदा नहीं। और भी कुछ कटड़ियाँ खरीदते हैं मैंने देखा है, 30 कटड़ियाँ ले ली, 40 ले ली, उनकी वजह भैंस लेना ठीक है या कटड़ियाँ पे काम करे भाई, वो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड है, वो किस हिसाब से रखना चाहे। अगर आपके पास जगह खुली है, दाना चारा पूरा है, चराने की व्यवस्था है, बाहर ग्रेजिंग की व्यवस्था भी, आपने तो 30 कटड़ी खरीद ली और जाके जंगल में खेतों में एक रुपया भी नहीं खिलाना, घर से 1 रुपया भी नहीं खिलाना, वो कटड़ी रख लो बेशक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कटड़ी की बजाय अगर आप कोई बाखड़ी भैंस खरीद लो, ड्राई चौकड़ भैंस खरीद लोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि वो भाई बनी हुई होती है, वो आगे जैसे आपके घर आने के बाद भी क्या बनी तो आगे 10-11 महीने में बच्चा दे देगी कटड़ी, तो भाई आज आपने 1 साल की कटड़ी खरीदी वो 3 साल की उस टाइम, अगर 3 साल की जब ब्याएगी जब उसको प्रॉपर सब कुछ मिलेगा न्यूट्रिशन, अगर उससे आप उसमें लेट हो गए तो वो टाइम बढ़ता ही जाएगा और वो महंगी होती जाएगी। तो पता भी नहीं दूध कितना निकाले क्या रहे उसका परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस का भी भाई आज तक तो ये चीजें किसी की नहीं समझ में आई, जो ये ब्रीडिंग का खेल है ये बहुत भाई मतलब मास्टरमाइंड भी इसके ऊपर नहीं जीत पाए, ये तो आखिर में आप यही मान सकते हैं कुदरत के हाथ में। मैंने बहुत सी 25-25 किलो वाली भैंसों की कट्टी बिल्कुल नकली निकलती देखी है और 8-8 किलो वालों की कट्टी 15-15, 16-16 किलो दूध देती देखी है, तो कोई पता नहीं, कोई पता नहीं इस गेम का ये भाई कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ पे ये खत्म होता है। ये कुछ समस्याएं थी आपको हमने बताई इस वीडियो के अंदर, और अमित भाई के नंबर ले लेते हैं तो कुछ रह गई हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, वैसे अपना नंबर हो शेयर करें। वैसे मेरा नंबर है 99920-61751, ये भाई का नंबर है और कॉलिंग का टाइम और ज्यादा काफी आप ड्यूटी के टाइम हो भाई साहब, वैसे तो मैं उठा ही लेता हूँ लगभग कॉल दिन में, अगर ऑफिस में भी अगर कोई ज्यादा ही काम में बिजी ना हो तो, लेकिन कई बार भाई दिन में नहीं उठा पाता क्योंकि ऑफिस में तो आपको पता ही भाई काम है, सरकार मेरे को काम करने के पैसे देती है तो मैं सोचता हूँ मेरा मैं 100% वहाँ पे दे के आऊँ, तो उसका रात को तो आप 11 बजे तक, हाँ रात को भाई 9 बजे लग कर लियो क्योंकि सुबह 4 बजे जल्दी उठना होता है, तो
उस करके फिर अगर कोई भाई 10-11 बजे परेशान ना करियो भाई, नींद नान भी पूरी पूरी करनी हो। तो आज ये वीडियो आपको किस लिए कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी भाई पहली बार यूट्यूब चैनल पर आया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। भाई भाई हर बार अच्छी नॉलेज, मैं लगातार इनकी वीडियो देखता हूँ, अच्छी नॉलेज वाली वीडियो होती है, लेकिन आप भाई शेयर नहीं करते उसको, इस वजह से वीडियो ज़्यादा भाइयों तक नहीं पहुँच पाती। तो ये आपका फर्ज है भाई, अगर आपने वीडियो देख ली कम से कम एक भाई के पास जरूर शेयर कर दियो, अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो 10 के पास कर दियो सही, लेकिन एक के पास तो आपका करने का फर्ज है कि ताकि भाई और किसी भाई को भी फायदा हो, उसके सारा फायदा खुद ही ना उठाइयो। तो ये भी वो इसलिए बनाते हैं हम क्योंकि हम भी छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, 2-3 साल से हम इसके अंदर आए हैं, तो बताते रहते हैं क्या कुछ हमने किया है, इनसे क्या सीखा है। इसको हम एकदम से छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन साइड बिजनेस के हिसाब से थोड़े पशु कम करके उस पर अच्छा ध्यान रख के उसको आगे बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन प्रॉपर इस काम के अंदर एक बार कदम नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आपको बाहर से जो फार्मर है उनसे भी हम आपको मिलवाते रहते हैं। धन्यवाद सभी भाइयों को।